स्टूडेंट माय नेम इज कमलदीप सिंह ने जी, कैसे हो आप सभी लोग। एक प्यारी सी स्माइल हो जाए। आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमने वेक्टर स्पेस के अंदर दो पार्ट किए हैं, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर हमने इसकी इंट्रोडक्शन करी, सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करा था उसके अंदर हमने थोड़ी सी इसकी थ्योरम करी, ठीक है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन, अभी दो चार थ्योरम्स अभी बाकी है, लेकिन थ्योरम हम कर लेंगे। आज क्या करते हैं, आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो कैसा बनेगा। सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल विद योर प्यारी सी स्माइल हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज राइट द वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 to 1। हमारे पास एक वेक्टर, हमने इस वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है, किसकी, गिवन थ्री वेक्टर्स। तो हमने शो क्या करना है कि बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स जस्ट डिपेंडेंट। इसका मीनिंग हम ऐसे स्केलर्स फाइंड करेंगे, उन स्केलर्स को हम ऑलमोस्ट थ्री स्केलर्स फाइंड करेंगे। पहले स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को इसके साथ एंड थर्ड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उन तीन स्केलर को जब हम तीन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, एंड आफ्टर एडिंग एंड सॉल्विंग द होल थ्री थिंग होल द थिंग्स वी विल गेट दिस रिजल्ट। तो हमें इस वेक्टर को वहां से फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आज तीन एग्जाम्पल करेंगे जहां पर, तो आपका पूरा का पूरा सेट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। सो हमने यहां पर स्टार्ट कैसे करना है, तो उन्होंने लिखा कि आप इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो बी वैक्टर है इट इज इक्वल टू सम ए इन टू बी वन, मीन दिस इज माई स्केलर, एंड सेकेंड स्केलर को मैंने बीट कर लिया, बी टू है, एंड दिस इज सी बी थ्री मेरे पास है, ठीक है। कहाँ, किसके लिए, फोर सम मेरे पास स्केलर्स हैं, फोर सम स्केलर्स हमारे पास ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने थ्री स्केलर यहाँ पर कर ले। तो इस पूरी एग्जाम्पल के दौरान हमारी जो जर्नी होगी वो क्या होगी, जस्ट हमने जहाँ पर बी की वैल्यू करनी है, बी वन बी टू बी थ्री की वैल्यूज लिखनी है, उसको सॉल्व करना है, इक्वेट करना है, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि हम इस ए बी की वैल्यू को फाइंड कर पाते हैं, मीन वो एग्जिस्ट करती है, इसका मीनिंग बी को आप ऐसे लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर या फिर और इसके अंदर क्वेश्चन कैसा बन पाता है कि वो कहेगा कि आप चेक करो क्या हम इसे लिख सकते हैं, यहां पर तो राइट कर दिया मीन लिख लेंगे, या तो ऐसा भी हुआ कि चेक करो कि गिवन वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। तो फिर हम ऐसे करेंगे और वहां पर कहीं ना कहीं जाकर हमारी एबीसी की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा। इन दैट केस अगर दिस वेक्टर इज नॉट रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, सो दैट इज अ क्वेश्चन। तो आज पहले ऐसे करते हैं। तो कैसे करना, बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जस्ट आपने अपने ईयरफोन्स लगाने हैं, कुछ नहीं करना, कॉपी पेन को रेस्ट दे दीजिए, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, फेस पर एक स्माइल ले लीजिए और जस्ट इसे वॉच करिए। उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा आपको उससे इसको करना, ठीक। तो पहले जस्ट सुनिए, तो हमने क्या करा, बी की वैल्यू, बी वन की वैल्यू, बी टू की वैल्यू एंड बी थ्री की वैल्यू। नाउ हेयर इज व्हाट, दीज ऑल आर वेक्टर, हमें पता है कि हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द ऑल पोजिशन। 2a बन जाएगा, a हो जाएगा 0 आ जाएगी, b को मल्टीप्लाई कर दो, b 2b एंड b आ जाएगा, c को मल्टीप्लाई कर दो, 0 2c एंड माइनस c हो जाएगा। अब जी आपके पास थ्री वेक्टर्स हैं, आप लोगों ने प्लस वन और प्लस टू के अंदर यदि वेक्टर पढ़ा है प्लस टू के अंदर, तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो विच इम्प्लाइज 3 2 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 2a आ जाएगा, जहाँ पर प्लस b है बेटा जी, तो 0 है, बचा हो गया हमारा। अभी a कितना है, यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पर a है, जहाँ पर 2b है, जहाँ पर 2c है, ओके, यहाँ पर 0 है, ओके, यहाँ पर कितना है, b है एंड माइनस c। अब आपके पास जे वी वैक्टर है एंड जे बी वैक्टर है, तो बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ वैक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, हम मैट्रिसेस के अंदर भी ऐसे करते थे, क्या होगा, टू वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल होती है। तो विच इम्प्लाइज माइनस टू ए प्लस बी आपके पास 3 होना चाहिए, एंड आपका जो ए प्लस 2b प्लस 2c है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एंड आपके पास b माइनस सी कितना होना चाहिए, दैट इज आपके पास 1 होना चाहिए। सो दिस इज मार्क, यू कैन मार्क इट 1 2 एंड 3, एंड इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो जहाँ पर हमने ए बी सी की वैल्यू को फाइनली पुट करना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। अब तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को कोई भी बच्चा आराम से सॉल्व कर पाएगा। तो आप कैसे कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करें इसको, किसी दो को कर लो, बी सी के अंदर कर लो, जहाँ पर बी सी है ना आपके पास,
तो आप किसी भी एंगल से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर से माइनस कर देता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, ए एंड सी। नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं, वहाँ से आपका ए कैंसिल हो जाएगा, बी सी में जे बच जाएगा, बी सी में जे हमारे पास, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज द वे आप किसी भी एंगल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नो वरी। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर ऐड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, इसके अंदर ऐड करते हैं, तो आपके पास कैसा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर -2a तो हमारे पास है, -2 है, प्लस बी है, ऐड करेंगे इसके अंदर, क्या ऐड करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a हो जाएगा, प्लस 4b हो जाएगा, प्लस हमारे पास 4c हो जाएगा। तो दूसरी साइड क्या होगा, जहाँ पर 3 है, ओके, एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो जैसे 6 बन जाएगा, ठीक है, तो 2a से 2 कैंसिल हो गया, 4b प्लस b आपका 5b आ जाएगा, प्लस 4c आ जाएगा, इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 4 आपके पास फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। एक बार क्लैरिटी चेक कर लेते हैं, अब आपने क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर एक मिनट, यस इट इज़ ओके, अब हमारे पास 5b है एंड 4c। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सो दैट हमारा सी से सी कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 के अंदर ऐड कर देते हैं, तो क्या बनेगा, जहाँ पर 4b माइनस 4c, जहाँ पर क्या है, प्लस का 5b प्लस का 4c, जहाँ से हमारे पास 4 है, जहाँ पर हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा 16 बन जाएगा, 16 एंड प्लस 9, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, 4c से 4c कैंसिल हो जाएगा, एंड जहाँ पर हमारा 4b प्लस 5b आपका कितना हो जाएगा बेटा जी, जी आपका 9b हो जाएगा, एंड जहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 25 है, हमारे पास कितना है, यहाँ पर आप यदि ऐड करते हो तो 25 आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास जो बी की वैल्यू आनी चाहिए वो 25/9 है, हमारे पास बी की वैल्यू 25/9। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हमारे पास है, एग्जांपल देख लेते हैं, स्केलर्स हमारे पास 2/9 आना चाहिए। तो हमारे पास बी की जो वैल्यू आई बेटा जी वही 25/9। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, आप यदि अपने इस क्वेश्चन को मैच करने की कोशिश करेंगे अपने बुक के साथ, तो वहाँ पर आपकी बुक का जो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, यदि आप स्पेक्ट्रम फॉलो करते तो वहाँ पर आपका b1 2-1 0 था, 2-1 0, और मैंने बाई मिस्टेक -2 1 0 कर दिया, तो इसलिए मेरा आंसर डिफरेंट आएगा। ऐसा कुछ मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस b1 को इग्नोर कर दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आप देखेंगे कि सर का आंसर गलत आ गया। तो बेटा जी मेरा आंसर गलत नहीं है, मेरा जहां पर पॉइंट बाय मिस्टेक था, तो मैं इसको मिस्टेक भी क्यों कहूं, मैं कहता हूं कि मैंने वहां पर उस एग्जांपल को चेंज कर दिया था स्मार्टली, मैंने उस वेक्टर को चेंज कर दिया, सो दैट मेरी एग्जांपल और हो जाए और वो सम आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है, हम सी और ए फाइंड करेंगे, जल्दी से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अब जहां पर इक्वेशंस की लोड नहीं है मेरे को, तो मैं इनको अरेंज कर देता हूं, मैंने को सॉल्व करना है। अभी बी हमारे पास आ चुका है, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम जहाँ पर इतनी स्पेस कर लेते हैं, ओ माय गॉड ये हमारा कैंसिल हो चुका है, फिर से लिख लेते हैं, क्या था हमारे पास जहाँ पर बी माइनस सी था, या क्या था हमारे पास यहाँ पर लास्ट वाला, बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, ओके दिस इज हमारा थर्ड वन। तो आप क्या करो, बी की वैल्यू को पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है, हम लिखेंगे 1 implies -2a + 25/9 = 3, तो आपका जहाँ से आ जाएगा -2a = 3 - 25/9, जो कि आपका 27 - 25/9 होगा, जो कि आपके पास 2/9 होगा। सो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज a = -1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा खुद से कैलकुलेशन करना, मुझ पर ब्लेम मत करना, पता नहीं मेरी कोई चीट मिस्टेक हो जाए और फिर आप बोलोगे, ठीक है तो आप खुद से भी ट्राई करना। तो वी को हमने जहाँ पर पुट करा, और वी को जहाँ पर भी पुट करो 3 में, तो 3 के अंदर से यदि हम वैल्यू फाइंड निकालते हैं, तो हमारे पास 25/9 - c = 1 है, और सी कितना आ जाएगा हमारे पास, 25/9 - 1, दैट इज 25 - 9/9। यदि हम इसके अंदर से 9 माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 15 - 16/19। तो हमारे पास ए बी सी आ चुके हैं, तो उसके बाद हमने क्या करना है, देयर फ्रॉम इक्वेशन स्टार,
तो लास्ट में हमने क्या करना है, इसको लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वही हम लास्ट में लिख देंगे। दिस इज वेरी फर्स्ट एग्जांपल, तो आपने लिखना है लास्ट में। तो देयरफॉर इक्वेशन जो हमारी स्टार है, दिस इज इम्प्लाइज जो गिवन वेक्टर बी है हमारे पास इज इक्वल टू व्हाट, ए की जस्ट वैल्यू लिख दो कितनी है, ए की वैल्यू माइनस 1/9, जहाँ पर साथ में ये हमारा क्या था, V1 था, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 25/9 है, ये हमारा B2 था। एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 16/9 हमारा B3। सो दिस इज द आंसर, इट्स मीन वी हैव फाइंड 3 स्केलर्स ऑफ देयर मल्टीप्लीकेशन विद V1 B2 B3 गिव अस दिस given b vector, so it's mean their linear combination is possible in here this question। so ये हमारी first example थी, बहुत ही आसान तरीके के साथ हमने करी, आप इससे भी आसान कर सकते हो, because आप young person हो और I am age one, तो मेरा mind इतना नहीं चलता आपकी तरह, you are sharper than me, so just sharper and smarter than me, so please pause करें इस video को और लिखें, और थोड़ी सी mistake कहीं होगी तो आप खुद से करना, बस मैंने आपको जहाँ पर idea देना है, आपको idea देना है कि ऐसे हम करते हैं, move to the second example of today, ठीक है। तुम्हारी आज की second example हमारे पास क्या है, ये question है जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो हम कैटेगरी वाइज करेंगे, तो एक सम किया था उसकी कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाए कि राइट करें तो आपने वैसा करना है, इज दी वेक्टर आ जाए कोई भी क्वेश्चन तो आपने ऐसे करना जैसे हम करेंगे, इज दी वेक्टर V2 - 5 3 अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर V1 V2 V3, उन्होंने बोला है कि इज, तो जहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि उनको डाउट है क्या हम इसको लिख सकते हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको, हम तो अपना ट्राई करेंगे, हम लिख देंगे कि इफ पॉसिबल तो we can write, if possible, तो हमने let करा कि we are going to write it as linear combination of these vectors, ठीक है। तो this is our star equation, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, values put करो, 2 - 5 3, a हो जाएगा हमारे पास 1 - 3 2, plus b into 2 - 4 - 1, plus c into 1 - 5 7। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, हम एक ही स्टेप के अंदर इसको झटका देंगे, ठीक है, झटका देंगे मतलब हलाल कर देंगे। तो जहाँ पर आप a से मल्टीप्लाई करो a आ जाएगा, जहाँ पर b से करो उसको ऐड कर दो, और जहाँ पर c से करो उसको ऐड कर दो, ठीक है, मैं ऐड भी करूँ साथ में, -3 आ जाएगा एंड इसको करा -4 भी आ जाएगा, जहाँ पर करा -5 c आ जाएगा, इसको करें थर्ड पोजिशन पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का b एंड यहाँ पर हमारे पास 7 का c आ जाएगा। तो देयरफॉर आप लिखेंगे जहाँ पर y डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स बी गेट, तो हमने क्या गेट करा है कि हमारे पास a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 2 नंबर 1, एंड हमारे पास जो सेकंड है -3a -4b एंड यहाँ पर हमारे पास माइनस का c है इज इक्वल टू -5 नंबर 2। एक बार विजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, जी दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है 2a - b + 7 c इज इक्वल टू 3 हमारे पास है नंबर 3। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एंड अवर टारगेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c दैट इज एग्जिस्ट करनी चाहिए, यदि फाइंड हो जाती है तो ये लिखा जाएगा, यदि फाइंड नहीं होगी तो नहीं लिखा जाएगा। हाँ, फाइंड क्यों नहीं होगी, दैट इज द रीजन एंड दैट इज द मदर थिंग वी नीड टू लर्न हियर विद अ स्माइल, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट, हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, इस ए के साथ इन दोनों इक्वेशन के अंदर ए को खत्म कर देते हैं, जहां पर बी सी आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या दिस इज अ गुड वन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको 2 के साथ नहीं, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा, मैंने 1 इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और उसको ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। अब जहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना काम बचाऊंगा, देखो मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 3a - 3a मेरा ए कैंसिल हो जाएगा, मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 3 to the 6 हो जाएगा, जहाँ पर -4b है तो मेरे पास 2b आ जाएंगे आफ्टर सॉल्विंग, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा 3c एंड इसको ऐड करा माइनस तो मेरे पास 2 - c हो जाएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 और 6 - 5 तो मेरे पास 1 आ जाएगा, एंड दिस इज द न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर हो चुका है, इसको मैंने 4 कर दिया, अलग कर देता हूँ। अब ऐसे मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास तब भी वैसा इक्वेशन आएंगे। तो देखते हैं कैसा बनेगा, हम क्या करते हैं,
टू के साथ मल्टीप्लाई करके किसको, वन को, सॉरी यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर वन को ब्रैकेट के अंदर टू के साथ मल्टीप्लाई करा इसको, और जो जे इक्वेशन है इसको उसके अंदर से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो टू ए है और इस टू ए को इसको माइनस करो तो ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका फोर बी है, जहाँ पर इसको माइनस माइनस करेंगे प्लस के फाइव बी आपके पास हो जाएंगे। जहाँ पर आपके पास टू सी है इसको माइनस करेंगे तो माइनस के फाइव सी आपके पास हो जाएंगे, एंड इसको टू से मल्टीप्लाई करा फोर और इसको माइनस करा हमारे पास तो फोर माइनस थ्री हमारे पास वन हो जाएगा। इतना हो गया, फिर से सुनना, इसको टू से मल्टीप्लाई करके रख लिया, बाद में क्या करना है इसको उसके अंदर से माइनस करता आपके पास ऐसे चले जाएंगे, ये आपका फाइव हो जाएगा। अब देखना फोर इम्प्लाइज फोर के अंदर क्या आ रहा, आपको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना, फोर के अंदर जहाँ पर भी टू है जहाँ पर भी टू है, तो जैसे आप टू कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फोर इम्प्लाइज टू बी माइनस सी इज इक्वल टू वन, दैट इज बी माइनस सी इज इक्वल टू वन ओवर टू। एंड फाइव हमें क्या इम्प्लाइज करता है बेटा जी, फाइव के अंदर तो फाइव आ गया कॉमन, फाइव को कॉमन निकालेंगे तो जो बी माइनस सी इज इक्वल टू वन, एंड यहाँ से आ जाएगा बी माइनस सी इज इक्वल टू वन ओवर फाइव। यदि मैं इसको इसको हम फोर डैश कर लेते हैं, इसको हम फाइव डैश कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा जी, प्यारे बच्चों, फोर डैश एंड फाइव डैश के अंदर से हमारे पास क्या आ जाएगा, अरे वाह जी, तो बी माइनस सी है, देखा देखा लगता है, कहाँ पर देखा था, अरे अभी तो करा था बी माइनस सी, जे भी बी माइनस सी, जे भी बी माइनस सी, तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आर्टिकल नंबर जो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों साइड तो सेम है, इसका मीनिंग ये साइड भी सेम होगी, तो हमारे पास क्या होगा बी गेट, इसका मीनिंग हमारे पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/5। अरे बात, जहाँ पर तो हमारे मैथ की दजियाँ उड़ गई, यदि हम ऐसा करते हैं इफ़ पॉसिबल लिखते हैं तो जहाँ पर आके हमारे जो मैथ की कैलकुलेशन है उसकी दजियाँ उड़ जाएगी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/5। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, सो इट इज रॉन्ग, इट इज इम्पॉसिबल। तो जहाँ पर क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल, तो ये इम्पॉसिबल हो गया, इसका मीनिंग इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम जो हमने कंसिडर करा था। तो आप एक प्यारी सी लाइन लिखनी, पहले जहाँ पर इसको पॉज करे अच्छे से लिख लो, स्माइल करो, लास्ट वाली लाइन में आपको बता देता हूँ क्या लिखेंगे। तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर अवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, ठीक है, बस इतना लिख दो, या इतना लिख दो, देयरफॉर अवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, तो देयरफॉर विच इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर अवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, सपोजिशन वॉज रॉन्ग, इट्स मीन दैट इज बी कैन नॉट रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वन बी टू एंड बी थ्री। सो कैसा लगा क्वेश्चन, मज़ा आया आपको, यदि मज़ा आता है इंजॉय करते हो, स्माइल करते हो और सब कुछ माइंड के अंदर जाकर बैठ जाता है, ऐसे नहीं कि आपके अंदर माइंड के अंदर क्वेश्चन गया और जाकर वहाँ पर वो स्टेबल नहीं रहा, वो फ्री पार्टिकल की तरह, जैसे आपके अंदर लिक्विड और गैसेज के अंदर फ्री पार्टिकल्स होते हैं उनकी तरह वो स्ट्राइक कर रहा है कभी इधर कभी इधर, यदि ऐसा नहीं होता मीन आपके माइंड के अंदर जो चला तो जो सॉलिड हमारे पास होता है उसकी तरह बिहेव करता है, लाइक उसके अंदर फ्री पार्टिकल बहुत 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 कम होते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी होती है। तो यदि ये स्टेबल हो रहा है तो मेरे को मेरे कमेंट के अंदर बताना, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ टुडे, मतलब वो क्या हमारे पास है, देखते हैं कि एग्जामिन करो, एग्जामिन वेदर हमारे पास 1, -3, 5 जो वैक्टर है वो बिलोंग करे टू द लीनियर स्पेस जनरेटेड बाई एस, एक ऐसी लीनियर स्पेस को वो बिलोंग करता है, एग्जामिन करे क्या बिलोंग करता है, एग्जामिन करना श्योर नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, एक ऐसे लीनियर स्पेस को बिलोंग करता है जिसको हम जनरेट कर रहे हैं एस के साथ, एस के साथ जनरेट करें और एस के अंदर हमारे पास थ्री वैक्टर्स है, एग्जामिन करो कि बिलोंग करता है और नहीं करता, दिस इज द थिंग। अब आपके लिए एक चीज़ न्यू है यहाँ पर, अब आपके माइंड में होगा कि यार लीनियर स्पेस जनरेटेड बाय एस कैसे होती है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आपके पास एस के अंदर थ्री वेक्टर्स हैं तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे स्केलर्स हैं, तो आप बिकॉज थ्री वेक्टर्स हैं तो आप क्या करो यहाँ पर, मतलब एक टाइम पर एक स्केलर करो, एक स्केलर करो, एक अलग अलग स्केलर कर लिए, तो हम उन स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक वेक्टर फॉर्म कर लिया। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ध्यान से सुनना, कान के अंदर एयरफोन की वॉल्यूम को चक दो फट्टे, ठीक है, ऊपर चक दो उसको, तो अप कर दो उसको, ठीक है, पूरे का पूरा, तो पंजाबी टच कर देंगे, फट्टे चक देंगे। तो क्या करना है, इन तीन वेक्टर के साथ तीन स्केलर्स सेलेक्ट करो,
डिफरेंट डिफरेंट मतलब एवरी टाइम पहले एक कर लिया, फिर एक सेलेक्ट कर लिया, फिर और कर लिया, फिर और, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स का अपनी सिलेक्शन लेनी है। तो जितनी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगी, हमने अभी देखा था ना कि यदि आप इसको स्किलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो दैट इट रिड्यूसेस टू अ सिंगल वेक्टर। तो वो जो इनके आंसर्स आएंगे, जो इनके आंसर्स आएंगे उसकी एक पूरी की पूरी हमने कलेक्शन ले लेनी, दैट कलेक्शन इज नोन एट अ लीनियर स्पेस जनरेटेड बाय एस। तो ध्यान से सुनना अब जो मैं कहने वाला हूँ, जब ऐसा लिखा हो कि लीनियर स्पेस जनरेटेड बाय एस, तो हमने देखना है उस क्या ये वेक्टर उसको बिलोंग करता है। तो वो एक बड़े सारा बहुत ही बिगर वाला हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेक्टर आ जाएगी, बट उनकी खासियत क्या होगी, उनकी विशेषता क्या होगी, उनका जो प्लस पॉइंट क्या होगा, उनमें जो भी वेक्टर होगा उनमें उस क्लास के अंदर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। मान लो जी मेरे पास इसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स आ चुके, इस तरह बहुत सारे वेक्टर, तो जी मैं उसके अंदर से एक वेक्टर उठाता हूँ तो जो वेक्टर कैसा होगा, इट इज़ इक्वल टू ए बी वन प्लस बी B2 प्लस सी बी थ्री फॉर सम ए बी सी स्केलर्स। तो यहाँ पर B1 B2 क्या होगा, B1 B2 B3। सो लीनियर स्पेस जनरेटेड बाय एस कैसी होती है, एक ऐसी कलेक्शन होती है, एक ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर एवरी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर विच इज जनरेटेड बाय दीज थ्री वेक्टर, मीन इनको आपस में एडजस्ट करके उसको बनाया गया है ऐसे वेक्टर। तो हमने क्या देखना है, क्या ये वेक्टर इसको बिलोंग करता है या नहीं करता। तो बाऊ हम क्या करेंगे जहां पर, तो हम क्या करेंगे, हम यही देखेंगे कि यदि इसको हम ऐसा लिख पाए इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, फिर तो ये डेफिनेटली यहां से आया होगा। यदि हम इसको ऐसा नहीं लिख पाए, इन दैट मीन ये उस फैमिली का मेंबर नहीं होगा। सो सिंपल। सो हम यहां पर क्या करते हैं, हमने इसको आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो आंसर के अंदर जो लाइन्स हमारे पास होगी, तो हम मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल, पहले की तरह फिर से एक गलती करते हैं, गलती से हम सीखते हैं। इफ पॉसिबल हमने लेट करा कि हमारा जो 1-3-5 है वो बिलोंग करता है, ठीक है, बिलोंग्स टू द, वो मैं लाइन आप ऐसे लिख दो सिंपल सी, बिलोंग टू द लाइन, ये लाइन कंप्लीट कर दो, बिलोंग्स टू द लीनियर स्पेस जनरेटेड बाय एस, इतना लिख दो। जब आपने इतना लिख दिया तो देयरफॉर ये जो वेक्टर होगा वो इस फैमिली में से होगा, इस फैमिली के अंदर हर एक वेक्टर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इसका मीनिंग उसके पास ऐसे तीन स्केलर्स होंगे। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बी सी सम स्केलर्स, ये सब कुछ हमारे माइंड में चल रहा है, हम इसको मान रहे हैं पॉसिबल करके, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स हमारे पास होंगे ए बी सी सम स्केलर्स, सच दैट क्या होगा हमारे पास, दिस वेक्टर 1-3-5 ए इंटू फर्स्ट वैक्टर, 1-2-1 बी इंटू सेकेंड वैक्टर, 1-1-1 सी इंटू थर्ड वैक्टर, बोलो 4-5-2, जोर से बोलो जय माता दी, ठीक है। हम ऐसे भी करते हैं क्लास के अंदर, बच्चे पंजाबी मूवी थी उसके अंदर था कि मैंने मतलब अटेंडेंस बोल रही थी उसकी उसकी टीचर कि यार मतलब उसने अटेंडेंस बोलो जोर से बोलो, तो वो पीछे से बोला जय माता दी। तो अच्छे होते डायलॉग पंजाबी मूवीज़ के, और पता नहीं मैं तो नहीं देखता, नेक्स्ट मूव करते हैं, बातें नहीं करनी। तो इसको कैसे लिखेंगे, जहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पर बी से कर दो, जहाँ पर फोर से कर दो, फोर से, नेक्स्ट आ जाएगा ए को टू से कर दो, टू ए, बी को जहाँ पर कर दो एंड सी को जहाँ पर कर दो, फाइव सी। अरे वाह कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये ए हो जाएगा फिर माइनस, देखो मज़ा आ रहा है आपको, इसको ऐसे सोचिए कि वी आर जस्ट प्लेइंग अ गेम विद दिस थिंग्स, मतलब वेक्टर्स है उनको लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म, फिर अपने आप हम ए बी सी लिख देंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इक्वेट कर देंगे एंड देन फाइंड ए बी सी। दिस इज जस्ट अ गेम, चिल, इसको चिल करो, ठीक है, कोई हैवी वर्क नहीं है यहाँ पर, जस्ट इंजॉय इट। तो यहाँ पर -2c आ जाएगा, इट इज अ गेम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, सो सिंपल। सो बाई डेफिनेशन क्या आएगा, ए बी -4c, यहाँ पर तो प्लस है, बताओ मेरे को 1, ठीक है, नंबर 1। एंड नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2a प्लस b प्लस 5c इज इक्वल टू -3। नंबर 3 a माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 5। पहले की तरह करते हैं, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, उसके अंदर से माइनस कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 2 को, सो सिंपल। तो 2a आ जाएगा, 2a माइनस करो खत्म, 2 से मल्टीप्लाई करा b को माइनस करा 1b, 2 से मल्टीप्लाई करा 8 बन गया, 5 माइनस करे तो 3c हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएंगे और माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 4। एक बार चेक कर लेते हैं विजिबिलिटी, और ऐसा ना हो कि चा आई थिंक इट इज़ विजिबल टू एवरी वन, इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी मेरे पास, ठीक है।
एक्चुअली मैं आर्टिफिशियल लाइट के साथ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बिकॉज डे लाइट के अंदर मेरे पास ऐसा रूम ही नहीं है जहाँ पर मैं बोर्ड को सेट करूँ। एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर मेरे को घर वालों ने बोला कि जा तू वहाँ पर जाके अपना काम करे, इतना रौला पाता है ठीक है घर पर कैमरे के आगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, स्माइल कर ये कर वो कर। तो इसके साथ घर वालों को परेशानी होती है, लेकिन मैनेज करेंगे सभी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फेस पर स्माइल है बस ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन वन को माइनस कर देते हैं थ्री के अंदर से, जहाँ पर ए है जहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगी, अरे जहाँ पर बी है जो माइनस माइनस प्लस के टू बी हो जाएगा जहाँ पर, तो क्या है हमारे पास, वाह जे फोर सी है जहाँ से टू को माइनस माइनस सिक्स सी हो जाएगा, जहाँ पर वन है माइनस करो तो माइनस के फोर आ जाएगा, ओके ये तो बी प्लस हमारे पास ठीक है। लेकिन जहाँ से क्या हो रहा, टू से डिवाइड करो था, टू से डिवाइड करेंगे ये बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू सी हो जाएगा, अरे टू से डिवाइड करना तो जहाँ पर तो थ्री आएगा, टू कॉमन करा डिवाइड कर दिया तो जहाँ पर तो बी रह गया, जहाँ पर थ्री सी हो गए, अरे बाप रे बाप ये तो फिर से वही चीज़ कहने वाली हो गई है, अब मैं जहाँ पर नहीं बोलूँगा कुछ भी, तो बी प्लस थ्री सी फाइव है, बी प्लस थ्री सी माइनस टू है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, नॉनसेंस वर्क है जी हमारा फाइव एंड, तो हम लिखेंगे फोर एंड फाइव इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है, फाइव इज इक्वल टू माइनस टू, अगेन एक लाइन लिखे विच इज इम्पॉसिबल, यहाँ पर लिखे विच इज इम्पॉसिबल, तो देयरफॉर माफ करना हमें, अबर सपोजिशन वाज रॉन्ग, अबर सपोजिशन वाज रॉन्ग इट्स मीन लास्ट में लिखना है अबर सपोजिशन वाज रॉन्ग, तो देयरफॉर इट्स का मीनिंग क्या है, तो देयरफॉर गिवन दिस वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू द लीनियर स्पेस जनरेटेड बाय एस, तो इस तरह प्रकार से हमारा जे नहीं बिलोंग करेगा। यदि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी की वैल्यू आ जाती, आपने जहाँ पर लिख देनी थी और आपने कहना था यस इट बिलोंग्स टू दिस फैमिली एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस, तो जस्ट एक प्यार सी स्माइल के साथ वेट करें। आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया होमवर्क दिया नहीं है, तो आपने मेरे को बताना है कि उस आंसर उनका आंसर कैसे आता है, कि भी क्या वो लिखे जा रहे हैं या फिर नहीं, बस नीचे कुछ भी थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू वाहेगुरु, थैंक यू टू परमात्मा, आप कुछ भी नीचे लिख सकते हो जैसा आप लिखते हैं, एक अच्छा सा मैसेज, लेकिन वो वाहेगुरु के लिए हो, एक परमात्मा के लिए, एक गॉड के लिए हो, एक ऐसा कमेंट हो जो दूसरों को इंस्पायर कर पाए, आपके अंदर जो भी पॉजिटिव है वो सारा एक ऐसा कमेंट आप नीचे मेंशन कर सकते हो, सो दैट कि कोई भी बच्चा वहाँ पर आए उसको एक पॉजिटिव भी मिले आपके थ्रू। तो दिस इज द मीडियम हम जहाँ पर ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं कि हम वहाँ पर अपनी पॉजिटिविटी को सेपरेट कर सकते हैं, तो बिकॉज बच्चे तो आते रहते हैं, कमेंट रीड करते रहते हैं, एंड यू कैन गिव योर मैसेज टू द लास्ट ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर नाइस कमेंट बिलो, सो जस्ट वेट फॉर द होमवर्क। आज का होमवर्क सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपके लिए है कि राइट द वेक्टर दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, बिकॉज इसकी मतलब और एग्जांपल इसके साथ की है नहीं थी, तो वो लीनियर आपके पास ऐसी अगली कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है कि गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट है, यदि वो डिपेंडेंट हो गए तो कोई मिस नंबर वहाँ पर होगा उसको फाइंड करिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके अंदर कोई मिसिंग नंबर को फाइंड करिए, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेटिंग फॉर अस दैट इज एंड बी विल डू डेफिनेटली दम विद ईजी ठीक है। तो मैंने लास्ट में अंग्रेजी बोलने की कोशिश करी, मेरे को आती नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई या मैं इसको ट्राई करूंगा टू इम्प्रूव दैट ठीक है, टू एन एक्सटेंड मतलब एक हम इसको लेवल अप कर सकते हैं, लेकिन यू पीपल डोंट फॉरगेट टू गिव अ मतलब जो आपकी जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, आई लव टू रीड ऑल द कमेंट्स बिलो ठीक है। हाँ लास्ट एक वीक के अंदर मैंने थोड़े से कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, मतलब थोड़ा सा फीवर था और उसके चलते मैंने काफ़ी मेरा है पेंडिंग लिस्ट, लेकिन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ईच एंड एवरी वन विद योर नेम मेंशन देयर ठीक है। तो मेरे को अच्छा लगता है आप जब मैसेज करते हो, लेकिन जहाँ पर जो आज का हमारा थीम है कि हम एक पॉजिटिव सेपरेट करेंगे, जो भी वीडियो आपको अच्छी लगी वहाँ पर आपने मेरी प्रेज नहीं करनी, कोई लोड नहीं आपको मेरी प्रेज करने की, अरे मैं हूँ कुछ नहीं, आई एम नथिंग ठीक है, तो मेरा जहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, दिस इज ऑल माई वाहेगुरु ब्लेसिंग टू मी एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेपरेट दैट ठीक है। जो मुझको मिलता है वाहेगुरु की ओर से जो हमें मिलता है हमारे पास, तो आई एम जस्ट हेयर टू सेपरेट दैट नॉलेज टू यू पीपल ठीक है। तो दिस इज द सिंपल, माई रोल इज नथिंग, मैं तो एक माध्यम हूँ जो मतलब सिंपल आपके और उसके अंदर लिंक हो रहा हूँ, अदरवाइज दिस इज जस्ट कनेक्टेड विद यू ऑल पीपल ठीक है, दिस एंड यू आर कनेक्टेड टू अदर, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ इट ठीक है। फोरम मेरा बहुत ही छोटा सा माइनर रोल है, तो प्लीज़ डोंट मतलब आप ज़्यादा नीचे
वो तो करने की लोड नहीं आपको प्रेरित। हाँ एक चीज़ जरूर करो, सेपरेट हम पॉजिटिविटी को सेपरेट करना चाहते हैं, तो नीचे अच्छे अच्छे से कमेंट जो भी आपको लगता है, कोई क्यूटेशंस है, कोई आपके माइंड के अंदर है पॉजिटिव, या आपके परमात्मा के लिए आपके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी है ना, प्लीज़ उनको एक अच्छे अच्छे से नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो हम ये चैनल हमारा ऐसा हो कि जहाँ पर हम लोगों को स्माइल तो दे रहे हैं, मैथ भी दे रहे हैं, साथ में पॉजिटिव भी हो, और हमारी कम्युनिटी एक अच्छी कम्युनिटी हो, एक अच्छी जहाँ पर अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और मैं भी चलो लिटिल बिट अच्छा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो हम एक गुड टीम और गुड फैमिली की तरह वर्क करें। सो दैट इज़ माई जस्ट मिशन एंड दैट इज़ माई जस्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू पीपल। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, दैट्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू आर द वन, इफ यू आर द ओनली वन एंड वॉचिंग एट द एंड, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स उनके पास टाइम नहीं होता। आई एम जस्ट अ फ्री पर्सन, आई एम हेयर फॉर यू, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम नहीं होता वो इसको स्किप करते हैं स्टार्ट में, चलो जी काम हो गया फिनिश एंड दैट्स ऑल। लेकिन इफ़ यू आर द पीपल, यू आर द पर्सन एंड वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड देर इज अ स्माइल ऑन योर फेस एंड आई एम एबल टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट माई सेल्फ, तो मैं यदि अपने मैसेज को आपके माइंड के अंदर मतलब सेंड करने में कामयाब हो रहा हूँ, तो दैट इज़ हमारे अंदर कुछ ट्यूनिंग है। सो दैट इज़ द थिंग, बाय बाय, टेक केयर, नाउ आई हैव टू गो।